आप ऑर्डर करेंगे ये यहाँ से फिर डिस्पैच कर देंगे। और ये स्विचेस हैं जो कि आपको राइट हैंडल बार पर यहाँ पर मिल रहे हैं ऑन ऑफ करने के लिए, हॉर्न के लिए। मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो अपने किसी भी बाइक को आप इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो मैटर आप किस जगह पर रहते हैं, कौन सी सिटी में रहते हैं, छोटे सिटी में रहते हैं, बड़े सिटी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपने घर पर इस सारे किट मंगाकर इसको अपने लोकल मैकेनिक से ये फिक्स करा के अपनी जो पेट्रोल वाली बाइक है, स्कूटर है, आप उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं एकदम निश्चिंत होकर। वैसे भी इनके देश भर में 55 सेंटर्स हैं जहाँ जाकर एक किट इंस्टॉल भी करा सकते हैं और आफ्टर इंस्टॉलेशन आप सर्विस भी ले सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं और किस पर क्या वारंटी मिलता है, किसका क्या प्राइस है और कैसे आप इसको मंगा सकते हैं और कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आप लोगों का जो क्वेरी है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें सबसे मेजर जो पार्ट्स है इस इलेक्ट्रिक बाइक में जो यूज होता है वो है मोटर। तो ये मोटर है BLDC हब मोटर, आपको ये मिल जा रहा है और इसमें आप देखिए डायमंड कटेड आपको ये फील आने वाला है इसके रियर व्हील में। तो आप इसको अपने बाइक में लगाकर मस्त इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके कम पैसे में आप अपनी ट्रेवलिंग पूरी कर सकते हैं। तो ये 200 वाट का है, इस पर आपको 1 ईयर का सर्विस वारंटी मिलता है। तो इस मोटर को मैं रख देता हूँ और दूसरे कंपोनेंट को दिखाता हूँ। ये है बैटरी, इसका वजन आपको 13 से 14 किलो के आसपास ये मिलने वाला है। ये लिथियम आयन बैटरी है, 72 वोल्ट की बैटरी है और इसका जो एच है 40 एच मिल रहा है और इस पर आपको 3 ईयर्स का वारंटी मिल जा रहा है। तो 3 साल आपको निश्चिंत होकर चलाना है और इसका सिंगल चार्जिंग जो टाइम है 2.5 से 3 घंटा लगता है और यूनिट कंजम्पशन आपका 2 से 3 यूनिट होता है। तो यानी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि डोमेस्टिक से कमर्शियल यूनिट यदि आप यूज़ करते हैं तो 15 से 20 रुपये या 25 रुपये तक आपका आ सकता है। यदि दूसरे हिसाब से भी आप कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम तो 20 से 30 रुपये जा सकता है। तो अभी मैं बैटरी को नीचे रख देता हूँ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ लगता है, कैसे लगता है। तो टोटल मैं आप लोगों को इसका फिटिंग का प्रोविज़न बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये है बैटरी का ब्रैकेट, तो इसमें बैटरी फिट हो जाती है। तो बैटरी को कैसे फिट करते हैं, कहाँ होता है, तो यहाँ पर दूसरी बाइक है जिसमें फिट होना है, यहाँ पर मैं फिट करवाता हूँ। तो त्रुषी आपका स्वागत है हमारे वीडियो में, थोड़ा सा आप हमें हेल्प कर दीजिए। ये यहाँ पर बैटरी लग जाएगा, इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो यानी अब आपकी जो बैटरी है पूरी तरह से सेफ हो गई, अभी निकलने वाली नहीं है और कोई चोरी भी नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका की। अब ये जो मोटर है, ये मोटर यहाँ पर लग जाएगा, ये देखिए ये आपका मोटर है, इसमें आपका टायर ट्यूब सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो टोटल जो आपका फिटिंग है पीछे मोटर के साथ में कुछ ऐसा अरेंजमेंट इसका हो जाएगा और एक वायर मोटर से निकल कर ये बैटरी तक जाएगा, तो कुछ ऐसा प्रोविज़न हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है ये कंट्रोलर बॉक्स, तो कंट्रोलर बॉक्स में आपको कई सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ये आपका कंट्रोलर है, MCB है और यहाँ पर AC-DC कन्वर्टर है। तो ये सब इसमें रख कर यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा सेंटर में, यहाँ इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, इसका जो थ्रोटल है ये यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो जाता है, एक राइट साइड में यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है और ये लेफ्ट साइड में इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर। थ्रोटल का पार्ट हो गया और जो दूसरा बचा और स्विच और ये मीटर कंसोल, तो इसका जो मीटर कंसोल है कुछ ऐसा आपको इसमें दिखेगा, बैटरी परसेंटेज, वोल्टेज और यहाँ पर टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर कितना है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और ये स्विचेस हैं जो कि आपको राइट हैंडल बार पर यहाँ पर मिल रहे हैं ऑन ऑफ करने के लिए, हॉर्न के लिए, और लाइट को यहाँ पर आप इल्यूमिनेट कर सकते हैं, और ये साइड इंडिकेटर। तो ये सारे स्विच यहाँ पर इसमें प्रोविजन में मिल जा रहा है। ये है लास्ट में स्विंग आर्म, जो मोटर के वेट के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है ताकि जो मोटर का वेट है वो आराम से बेयर हो सके। तो यहाँ पर इसको सेट कर दिया जाएगा और इसके ऊपर ये मोटर की सेटिंग हो जाएगी। तो ये था सारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, पार्ट्स, बैटरी और सारी चीज़ें जो कि आप अपने बाइक में इंस्टॉल करके इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम आप स्कूटर्स को भी कर सकते हैं और किसी भी बाइक को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपको RTO का अप्रूवल मिल रहा है वो स्प्लेंडर प्लस में मिल रहा है। तो आपको स्प्लेंडर प्लस में आप चाहे तो अपना ग्रीन नंबर भी चेंज कर सकते हैं, आप जाकर पेपर वगैरह ये इनवॉइस देंगे उससे आप कन्वर्ट करा सकते हैं। और बाकी की जो गाड़ियाँ हैं उसका अंडर प्रोसेस है,
उसके लिए इन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, वो जल्दी परमिशन मिल जाएगा तो शायद आप उसका भी ग्रीन प्लेट कर पाएंगे। ये सारा डिटेल था कैसे इसको बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि फाइनली जो इंस्टॉलेशन के बाद आपकी बाइक अपीयर होने वाली है वो कैसे दिखने वाली है। 360 डिग्री व्यू इसका आप देख लीजिए, यहाँ पर ग्रीन नंबर प्लेट भी हैं। अब यहाँ से राइट साइड में देखेंगे तो कुछ ऐसा इसका अपीयरेंस हो जाता है। ये आपको पैनल मिल जाएगा, फुल कवरेज हो जाएगा, सेम कलर। यहाँ ये थ्रोटल वगैरह आपको खैर दूर से देखने में पहचान नहीं आने वाला है, बस इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये मोटर का ऐसा लुक आ जाएगा, और जो आपकी बाकी स्प्लेंडर प्लस जैसे दिखती है सेम टू सेम वैसे ही रहने वाली है। और पीछे भी आपका ये ग्रीन नंबर प्लेट आ जाता है, और लेफ्ट साइड से ये बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। तो फाइनल इस बाइक का अपीयरेंस जो है ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद मैं अभी आप लोगों को एक छोटा सा राइड भी लेकर दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को और आइडिया मिल जाएगा कि ये बाइक चलने वाले में कैसी है। इलेक्ट्रिक बाइक में सबसे जो मुझे निगेटिव चीज़ लगता है वो ये है कि आवाज़ नहीं आता है, पता ही नहीं चलता कि ऑन है ऑफ है। और एक बार क्या हुआ, हमारे चाचा जी ने दो बार एक्चुअली शोरूम में उड़ा दिए स्कूटर्स को। तो अभी हम चाचा जी को कभी आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो फिलहाल ये ऑन है, अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं, वाओ देखो किसकी गाड़ी तेज चलती है। चलो 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 चलो, देखो रोड पर मत जाना, वापिस आ जाओ वापिस आ जाओ। तो इसका राइड कुछ ऐसा मिलेगा, पिकअप तो ठीक ठाक अच्छा पकड़ रहा है, और जब आप चलाएंगे तो थोड़ा सा इसमें आवाज़ होता है चलाते समय। ऐसे खड़ा कर दिए, अभी इसमें पता नहीं चलेगा कि ऑन है या ऑफ है। बाय चांस यदि एक्सेलरेट हो गया तो ये फटाक से भाग गई आगे, तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये राइड मैंने आप लोगों को लेकर दिखाया, अब मैं आप लोगों को अंदर का दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप साइकिल को भी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये इनका छोटा सा गैराज है, कारखाना है, जहाँ से सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। तो मैं अंदर आ गया हूँ, मैं आप लोगों को दूसरे पार्ट्स के बारे में भी बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे जो आप लोगों को मैंने वारंटी वगैरह का बताया था, प्राइसिंग वगैरह का बताया था। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे साइकिल वगैरह को भी यदि कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक साइकिल में, तो ऐसे आपको मोटर के साथ में इसका ये रिम वगैरह मिल जाता है, और ये सारे कंपोनेंट्स हैं। आप ऑर्डर करेंगे, ये यहाँ से फिर डिस्पैच कर देंगे। ओवरऑल जानकारी मैंने आप लोगों को बाइक के बारे में बताया। अब जो चीज़ें बच गई हैं, जो प्राइस वगैरह का, डिस्पैचिंग वगैरह का, तो जो यहाँ के जनरल मैनेजर हैं हमारे सचिन सर, हम उनसे डायरेक्ट जानकारी लेकर आप लोगों को डिलीवर करते हैं। तो सचिन सर, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी चाहिए। पहले आप बता दीजिए कि ये कंपोनेंट तो किसी भी सिटी में भेज रहे हैं, राइट? मैंने ऐसे ही बोला, तो रिमोट एरियाज में भी आप इसको डिलीवर कर रहे हैं। तो जो डिलीवरी का कॉस्ट हो रहा है वो रफली कितना है? लगभग अगर आप उन पकड़ते हैं रूरल एरिया में अगर जाएगा तो ये 1200 से रुपए 2000 रुपए तक वेरी हो सकता है। ठीक है, और इसका जो कॉस्ट आ रहा है वो कौन कंपनी बेयर कर रही है या जिस जो मंगा रहा है उसको कर ये एंड यूजर बेयर? टोटल इलेक्ट्रिक किट का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ रहा है राइट नाउ? जो मार्केट सिचुएशन है उस हिसाब से अभी फिलहाल किट का जो कॉस्ट जाता है वो 35,000 जाता है। अभी फिलहाल की जो बैटरी कॉस्ट है वो वेरी होती है, एंड यूजर का कॉस्ट है 50,000। और कितना उसका सिंगल चार्जिंग रेंज? एज पर रोड कंडीशन जो टेस्टिंग है हमारा, इसमें मिनिमम 100 to 120 देता है। ये वेरी होता है ड्राइविंग कंडीशंस और रोड कंडीशंस की। अच्छा, कोई इंस्टॉल कैसे कराएगा जिसको जानकारी नहीं है? आरटीओ अप्रूव्ड कन्वर्जन किट जो है इसके अंदर टेक्निकल चीजों की जरूरत होती है, वो ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर की जरूरत होती है। अच्छा। वो हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में खोलना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी हमारे मोस्टली एरियाज में स्टार्ट हो चुके हैं, और भी हम लोग इंस्टॉलेशन चालू है। तो मोर देन 55 कुछ ऐसा बता रहे थे, 55 अभी तक ब्रांचेस स्टार्ट हो चुकी है। आपके वेबसाइट पर जाकर एड्रेस मिल सकता है उसका? जी ठीक है, तो आप वेबसाइट पर जाकर यहाँ इनका एड्रेस ले सकते हैं। यहाँ का भी कॉन्टैक्ट नंबर जो ऑफिस का है वो आप लोगों को अभी फ्लैश हो जाएगा, और उस पर कॉल कर सकते हैं, और सारा डिटेल जो भी बचता है वो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप ऑर्डर करेंगे, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी है तो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।